वालेकुम। आज मैं नचने के अम्बिल बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने नचने का आटा लिया हूँ, ऐसा वाला बारीक पीसा हुआ नचने का आटा है। इसको रात में मैंने पानी में भिगो दी थी। इसको अम्बिल बनाने के लिए इसको रात में भिगोना पड़ता है। ये मैंने 3 चम्मच इसमें के ली थी और रात में इसको आधा गिलास पानी डाल के इसको भिगते रखी थी। अभी सुबह में बनाने का रहता तो रात में ही डालना पड़ता है उसको। बटर मिल्क ली हुई मैंने, छाछ ली हूँ मैंने, ये आधा लीटर है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ज़ीरा ली हूँ, अदरक इससे कूट के ली हूँ, लहसुन 4-5 इसको कट करके ली हूँ, ये आधा इंच है अदरक इसको चॉप करके लियो, ऐसा मिर्ची को ऐसा बारीक कूट के लियो, या अदरक लहसुन इसका ठेचा बोलते हैं इसको। और नमक लियो मैंने 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया लियो, मैंने 1 डेगची ली हूँ उससे 1 गिलास, ये 2 गिलास, पूरा 1/2 लीटर है, ये 3 गिलास हो गए। इसके अंदर हम नचने का ये आटे को ऐड करेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये अम्बिल बहुत अच्छा होता है ठंड गर्मी के सीजन में, ऐसा ज़्यादातर बनाया जाता है और ये ज़्यादातर ठंडियों में बनाया जाता है। इसे इसको मिक्स करके लेंगे। साथ साथ इसके अंदर अदरक भी डालेंगे। इसको पकाना है तो पहले ही इसमें सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसको पका के लेना है। लहसुन भी ऐड की हूँ, जीरा पाउडर भुना हुआ, तो साथ साथ मिर्ची भी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको गैस पे पका के लेंगे। यहाँ पर मैंने धीमी आँच रखी हूँ, गैस चालू की हूँ, इसको लगातार इसको चलाते हुए इसको अच्छे से पका के लेना है धीमी आँच पे। अच्छे से पका के लेना होता है, इसमें अदरक लहसुन मिर्ची की जो स्मेल होती है अच्छे से चली जाए, इसलिए अच्छे से पकाना होता है। और नमक इसमें पहले ऐड नहीं करना होता है। अच्छे से इसको पका के लेंगे 5-6 मिनट तक। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बनी है अम्बिल। ये रोज़े के टाइम पे सहरी में भी पिया जाता है। ये सहरी करने के बाद हम इसको आधा कप या आधी वाटी पीएंगे ना तो अच्छा रहता है, पेट ठंडा रहता है। गर्मी के सीज़न में ये बहुत अच्छा रहता है। ये ऐसा बना के देखो, इससे घामुली वगैरह भी आती है ना तो वो भी चली जाती है ऐसा बना के खाने से। पेट में एकदम ठंडक रहती है क्योंकि नचना भी, नचने का आटा भी ठंडा होता है और छाछ भी सेहत के लिए अच्छा होता है ना। इसको अच्छे से पका के हम इसको अच्छा ठंडा करके मैं फिर इसमें नमक ऐड करके, अच्छे से हो चुका है ये, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अब आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ, इसको अच्छे से ठंडा करके फिर मैं सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने मिट्टी के गिलास ली हूँ, इसमें इसको अम्बिल को भरेंगे इसको। ठंडी ठंडी इसको पीना है। उसको थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करूँगी टेस्ट आने के लिए। ज़बरदस्त बनाए और टेस्टी भी बनाए, ज़रूर ट्राई करना।
वीडियो देखते तो लाइक करो, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे इस पर। यहाँ पर मैंने अम्बिल सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।